बाद दोपहर 2:15 बजे का समय हुआ है। अभी आप देख सकते हैं आसपास सभी दुकानें बंद है। रविवार को यहाँ बाजार बंद रहता है, तो कुछ लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोग मास्क पहने दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बाजार में सभी दुकानें बंद है इस वक्त। हालांकि सुबह के वक्त कुछ दुकानें खुली थी, मगर इस समय सभी दुकानें बंद है। और दुकानदारों के मुताबिक फेस्टिवल सीजन होने अथवा कुछ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए वह सुबह के टाइम दुकानें खुलते हैं। सामने 2-3 दुकानों के शटर फिलहाल कुछ खुले दिख रहे हैं, इसके अलावा पूरा बाजार बंद है। अभी सुबह 11 बजे का वक्त है, रविवार के चलते सगड़ा है। हालांकि बाजार बंद रहता है, मगर कुछ एक दुकानें फिलहाल खुली दिख रही है। और इस तरह दुकानदारों के अनुसार वह सुबह के समय आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें खुली रखते हैं, और अन्य दुकानें आप देख सकते हैं बंद है। आसपास की सभी दुकानें और रविवार को नाई की दुकानें अथवा बार्बर शॉप खुली रहती है, क्योंकि ये दुकानें मंगलवार को बंद रहती है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ अन्य दुकानें भी आसपास खुली नज़र आ रही है। रविवार को व्यापार मंडल के आह्वान के बाद उपायुक्त सिरमौर द्वारा यहाँ बाजार बंद रखे जाने का दिन डिसाइड किया गया था। और इससे पहले सोमवार को यहाँ लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में बाजार बंद होता था। तो आसपास आज लोगों की आवाजाही कम है, क्योंकि संडे को सरकारी बसें बंद रहती हैं और कुछ लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं अभी। तो यहाँ रविवार को दोनों बैंकों की ATM भी बंद है। हालांकि ये ATM ज़्यादातर समय बंद ही रहती है। कल सहकारी बैंक की ATM खुली थी, जबकि दूसरी बैंक की ATM 8 माह से बंद है। ड्यूटी पर तैनात जवानों द्वारा बसों की जगह लिए निर्धारित जगह अथवा बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को हटाने को कहा जा रहा है। इस तरह अभी 3 वाहन यहाँ दिख रहे हैं जो गलत जगह पर खड़े हैं। हालांकि अधिकतर नंबर हिमाचल के अथवा स्थानीय है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इस तरफ को भी एक गाड़ी है जो बेतरतीब ढंग से खड़ी नजर आ रही है। रविवार को आमतौर पर क्योंकि चालान नहीं होते, इसलिए इस तरह की लापरवाही दिखती है। शाम 4:45 बजे का समय और इस तरह से आप देख सकते हैं ढाबा खुला है, जबकि अन्य सभी दुकानें बंद है। तो रविवार को यहाँ बाजार बंद रहता है और सरकारी बसों की आवाजाही भी बंद रहती है, जिसके चलते आज बाजार में भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है।